हेलो नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी का, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रोफाइल ऑफ ड्रग के बारे में बात की थी। आज हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, उसको डिस्कस करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस का पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, द वे टू रीच द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, यानी वो रास्ता जिसकी वजह से हम जिसके थ्रू ड्रग को हम उसके साइट ऑफ एक्शन में पहुँचा देते हैं, तो वो क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ रूट्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे ओरल रूट है, पेरेंटल रूट है, रेक्टल रूट्स है, डिफरेंट टाइप के रूट्स होते हैं जिससे कि ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि चॉइस ऑफ रूट को अफेक्ट करते हैं, या जिससे हम, जिन फैक्टरों की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए चॉइस करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट करती है कि हम उस किस रूट से दें। फिजिकल का मतलब जैसे कि कोई ड्रग है सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस स्टेज में है। तो सॉलिड और लिक्विड में होगी तो हम आसानी से ओरल रूट से दे सकते हैं, गैस स्टेज में है तो उसे हम इनहेलेशन रूट से देना पड़ेगा। एंड अदर इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है उसकी ड्रग की पीएच कितनी है, सॉल्युबिलिटी कितनी है। अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो ओरल रूट से दे सकते हैं, सॉल्युबिलिटी नहीं अच्छी है तो हम ओरल रूट से नहीं दे पाएंगे। स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, पीएच कितनी, पीएच में स्टेबल है, कितनी पीएच में नॉट स्टेबल है। तो वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स अफेक्ट करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साइट ऑफ डिजायर एक्शंस। हमको जहाँ पर एक्शन की ज़रूरत है, साइट ऑफ डिजायर एक्शन, जहाँ में एक्शन की नीड की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम ड्रग देते हैं। अगर हमें टॉपिकली कहीं हमें इचिंग हो रही है तो हम ड्रग को टॉपिकली अप्लाई ज़्यादा करेंगे, ना कि हम उसे ओरली देंगे। तो जहाँ पर हमें साइट ऑफ एक्शन की डिजायरमेंट है, उस हिसाब से भी हम चॉइस ऑफ रूट सेलेक्ट करते हैं। देन है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। रेट एंड एक्सटेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग कितने रेट से कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो पा रही है, इट इज मीन्स बायबिलिटी। जिसकी जैसी बायबिलिटी होगी उस हिसाब से रूट को हम सेलेक्ट करते हैं। अगर बायबिलिटी जहाँ से पुअर है तो उसको रूट को हम कम प्रेफर करते हैं, और जहाँ जिसकी बायबिलिटी अच्छी है तो उस रूट को हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है नंबर फोर्थ, इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी ड्रग ऐसी हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के कॉन्टैक्ट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल पेनिसिलिन, अगर डायरेक्ट पेनिसिलिन को हम ओरल रूट से दें तो गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में वो नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसके कारण हम पेनिसिलिन को ओरल रूट से नहीं देते हैं। और नेक्स्ट जो उसमें आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि ड्रग आर मेटाबोलाइज बिफोर गिविंग एनी एक्शन। ड्रग बिना एक्शन दिए ही मेटाबोलाइज हो जाती है, या एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है बिना कोई एक्शन दिए हुए, उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एग्जांपल क्या है, लिडोकेन है। लिडोकेन को हम बेसिकली ओरल रूट से नहीं देते हैं, क्योंकि वो ओरल रूट से देने पर लिवर में मेनली हाई अमाउंट में मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको पॉइंट हम बात करते हैं रूटीन ट्रीटमेंट एंड एमरजेंसी ट्रीटमेंट। रूटीन ट्रीटमेंट एमरजेंसी ट्रीटमेंट भी अफेक्ट करते हैं हमारी चॉइस ऑफ रूट के लिए। रूटीन ट्रीटमेंट है, रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए हम ओरल रूट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है तो मेनली पेरेंटल रूट प्रेफर ज़्यादा किया जाएगा, जिसकी बायबिलिटी मोर और फास्ट है, ठीक है। और नंबर लास्ट पॉइंट जो है वो कंडीशन ऑफ पेशेंट डिपेंड करता है। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई बेहोशी कंडीशन में है, तो उसे ओरल रूट नहीं दे सकते, उस कंडीशन में आप पेरेंटल रूट ही प्रेफर करेंगे। और वॉमिटिंग हो रही है उस कंडीशन में ही ओरल रूट नहीं दे सकते, तो भी हम एनदर ओरल रूट प्रेफर करेंगे। साथ में अगर कोई पेशेंट बच्चा, इन्फेंट्स है, ओल्ड पेशेंट है, इन्फेंट्स को हम आसानी से ओरल रूट में दे सकते हैं, तो डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशंस भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे हुए फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ रूट। रूट को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये फैक्टर होते हैं जो चॉइस ऑफ रूट के लिए अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन को बेसिकली क्लासीफाई करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली दो क्लास में बांट दिया गया। पहला है लोकल रूट और दूसरा सिस्टमिक रूट।
अगर लोकल रूट को लेते हैं तो लोकल रूट का मेनली क्या रहता है कि लोकल रूट्स में जो ड्रग होती हैं वो आपके जो जहाँ पर अप्लाई करते हैं वही एक्शन दे देती हैं विदाउट रीच ऑफ एनी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो लोकल रूट में बेसिकली जो ड्रग हैं वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँचती हैं और डायरेक्टली जहाँ अप्लाई करते हैं बाय एक्शन दे देती हैं तो उसे बोलते हैं लोकल रूट। तो लोकल रूट की बात करें तो लोकल रूट में मेनली जो क्या होता है कि आपकी वो ड्रग्स जो आती हैं जैसे कि आपकी क्रीम्स हैं ऑइंटमेंट हैं जो हम टॉपिकली यानी स्किन पे अप्लाई करते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन हो जाता है, साथ में डीपर टिश्यू हो जाते हैं यानी कि कुछ डीपर टिश्यू तक ड्रग आसानी पहुँच जाती हैं जिसे हम रब करते हैं टॉपिकली अप्लाई करने के बाद में तो वो आपकी डीपर टिश्यू मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमिक रूट्स। सिस्टमिक रूट्स का मतलब है कि सिस्टमिक रूट्स आर दोज रूट्स बाई द ड्रग आर रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड आफ्टर दैट रीच टू द साइड ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग साइड ऑफ एक्शन पहुँचेगी बाय द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू वो आपके साइड ऑफ एक्शन में पहुँचती है। तो बहुत जितने भी रूट्स होते हैं जिसके थ्रू ड्रग पहले ब्लड में पहुँचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचती है देन वो साइड ऑफ एक्शन पहुँचती है, तो वो सभी किस में आते हैं सिस्टमिक रूट में आते हैं। सिस्टमिक रूट में सबसे पहले क्या है ओरल रूट। ओरल रूट्स की बात करें तो ओरल रूट जो है वो आपका प्राइमरी और सबसे ज़्यादा कॉन्वीनियंट रूट है जो बहुत ओल्ड टाइम से चला आ रहा है, आसानी से एक्सेप्टेबल भी है, विदाउट की असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम उसे ओरल जो भी डोज होती है जैसे टेबलेट या कैप्सूल जैसे हम सीधे ओरल कैविटी में रखते हैं और किसी ड्रिंक की हेल्प से यानी वाटर की हेल्प से उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो स्पेशली सॉलिड की बात होती है कि टेबलेट और कैप्सूल हो ओरल रूट्स के लिए। और स्पेशली अगर हम बात करें लिक्विड पेशेंट्स में तो आपकी सस्पेंशन है सीरप है एलेक्जर है तो वो भी हम ओरल रूट से लेते हैं तो आसानी से वो ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास में ओरल रूट में कुछ दिक्कतें भी होती हैं जैसे कि हम इसका स्लोअर एक्शन होता है तो इमरजेंसी केस में हम ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ड्रग होती है जो आपके गैस्ट्रिक एसिड्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाती है या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का हाई होता है उनको भी हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिसएडवांटेज हुए रूट्स के। उसके बाद आता है सबलिंगल रूट। सबलिंगल रूट यानी कि वो रूट जिसमें हम ड्रग क्या करते हैं ड्रग को ओरल कैविटी में रखते हैं यानी कि जो टंग के नीचे रखेंगे और टंग के नीचे रखने पर ड्रग आपका कहीं डिजल हो जाती है और जो ओरल बकल कैविटी की जो मेम्ब्रेन होती है उससे एब्जर्व होकर सीधे सीधे आपकी कैपिलरी ब्लड कैपिलरी उसके नीचे होती हैं उसमें एब्जर्व हो जाती है और सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है विदाउट रीच टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द लिवर। यानी कि जो इसमें ड्रग सबलिंगल रूट से ड्रग रख दी जाएंगी वो आपकी क्या होंगी लीवर बाईपास होंगी और आसानी से ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि सबलिंगल ड्रग में रूट में वो ड्रग दी जाती हैं जो लिपिड सॉल्वेबल होती हैं और लिपिड सॉल्वेबल हाई लिपिड सॉल्वेबल होती हैं वो आसानी से बकल कैविटी मेम्ब्रेन से एब्जर्व होकर आपकी ब्लड सर्कुलेशन पहुँच जाती हैं और फिर एक्शन देती हैं। यानी दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सबलिंगल रूट से ड्रग लेने के लिए नॉन इरिटेटिंग ड्रग होनी चाहिए इरिटेशन को ना कॉज करे और साथ में आपकी लिपिड ड्रग होनी चाहिए जो हाईली लिपिड सॉल्वेबल ड्रग हो। जैसे सॉल्यूट्रेट को हम सबलिंगल रूट से देते हैं जो कि आसानी से वहाँ से एब्जर्व हो जाती है और तुरंत एंजाइना पेशेंट के लिए इफेक्ट देती है। नेक्स्ट रूट आता है वो आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट्स यानी कि जो एनस के नेक्स्ट जो रूट आता है वो रेक्टल रूट है। रेक्टल रूट यानी कि एनस के थ्रू जो ड्रग दी जाती हैं रेक्टल पोर्शन में दैट इज रेक्टल रूट्स। रेक्टल रूट्स में मेनली आपके सपोस्ट्रीज हैं वो दी जाती हैं और यहाँ पे जो ड्रग देने से क्या होती हैं कि उसके आसपास जो हेमरेडल वेन्स होती हैं उसके उसमें उससे ड्रग आसानी से एब्जर्व होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। तो रेक्टल रूट्स मेनली जो ड्रग दी जाएंगी उसमें आपके हेमरेडल कंडीशंस जो होती हैं पाइल्स जैसी कंडीशंस होती हैं उसमें हम रेक्टल प्रेफर करते हैं। और साथ में अगर कोई पेशेंट वोमिटिंग है या वोमिटिंग कर रहा है या अनकॉन्शियस कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। रेक्टल रूट से भी ये जरूरी है कि वो लिपोफिलिक ड्रग हो साथ में क्या वो कोई भी इरिटेशन कॉज नहीं कर रही हो। तो रेक्टल रूट से देंगे तो वो ड्रग आसानी से कहाँ पहुँचती है हेमरेडल वेन्स में पहुँचेगी और हेमरेडल वेन्स के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है देन वो अपना एक्शन देती है। नेक्स्ट आता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस यानी कि हम बहुत सारी ड्रग होती हैं ऑयली पेपेशन होती हैं जिसको हम स्किन में रब करते हैं और रब करने के बाद वो हमारे एंडोडर्मिस में पहुंच जाती हैं क्यूटेनियस पोर्शन पहुंच जाती हैं और वहाँ इफेक्ट देती हैं। तो वो आपकी रबिंग जो पेपेशन होती हैं और जो रबिंग करते हैं ऑयली पेपेशन होती हैं वो सभी क्यूटेनियस में जाती है। फिर आपका इनहेलेशन रूट्स। इनहेलेशन में आपकी वो ड्रग्स आते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं लंग्स के थ्रू यानी कि जितने गैस की वेपेशंस होती हैं गैसियस होती हैं स्प्रेस होती हैं उनको हम इनहेलेशन रूट से दे देते हैं। इसके अलावा एक जो दूसरा आपका आता है नेजल कैविटी नोजल ड्रॉप्स जो आते हैं नेजल ड्रॉप्स को हम देते हैं तो नेजल ड्रॉप्स आसानी से म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जर्व होकर अपना एक्शन दे देते हैं।
और लास्ट में आता है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल्स यानी कि वो ड्रग जिसको हम डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन पहुँचा देते हैं वो पेरेंटल है, यानी कि पेरेंटल की बायबिलिटी होगी वो 100% होती है, जबकि ऊपर के जितने भी रूट्स हैं उनकी 100% नहीं होगी, क्योंकि ये एब्जर्व होने में टाइम लगाते हैं और जितने अमाउंट में हम ड्रग देते हैं उतने अमाउंट में ड्रग आपकी सिस्टम में सर्कुलेशन में नहीं पहुँच पाती है, जबकि पेरेंटल में हम जो ड्रग देते हैं लगभग उतनी ही ड्रग आपकी सिस्टम में सर्कुलेशन पहुँच जाती है, इसलिए पेरेंटल रूट की बायबिलिटी 100% होती है। इसमें भी पेरेंटल में आपके चार डिवीजन किए गए, सबक्यूटनस रूट SCs मतलब सबक्यूटनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस एंड इंट्रा डर्मल। सबक्यूटनस रूट जो है, सबक्यूटनस रूट में क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ड्रग को जो आपकी सबक्यूटनस में लेयर होती है डर्मिस के नीचे उसमें ड्रग दी जाती है, जैसे इंसुलिन है, ये सब प्रिपरेशन इंसुलिन है, इंसुलिन को हम उसी रूट से सबक्यूटनस रूट से देते हैं, जो आपके आसानी से हम डीप पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, लाइट पेनिट्रेशन होती है तो आसानी से कोई भी पेशेंट उसको ले सकता है, जैसे इंसुलिन कोई भी अपने आप ही लगा लेता है। इसमें क्या होगा, मेनली जो आपकी यहाँ पर हम ड्रग देते हैं, मेनली वहाँ पर आपका सेंसरी नर्व्स ज़्यादा होती हैं और आपका वैस्कुलरिटी कम होती है, यानी एब्जॉर्प्शन सबक्यूटनस रूट से कम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम IM रूट यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट से ड्रग जो दी जाती हैं वो आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है कि वैस्कुलरिटी जो मसल्स पोर्शन है, मसल्स पोर्शन में ड्रग दी जाएगी, चाहे वो आपकी बाइसेप्स की मसल हो, चाहे आपकी वो हिप की मसल्स हो, उस वहाँ पर आपके ड्रग देते हैं ले। और इंट्रामस्कुलर रूट में जब ड्रग दी जाती है तो वहाँ पर आपका मसल्स पोर्शन में वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और जो नर्व्स की क्वांटिटी कम होती है, तो वहाँ पर आसानी से ड्रग हायर अमाउंट में एब्जर्व हो पाती है। और इसलिए हम IM रूट में वैस्कुलरिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर हम कुछ सस्पेंशन या ऑयली प्रिपरेशन भी आसानी से वहाँ पर हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका IV यानी कि इंट्रावीनस, यानी कि सीधे सीधे वेंस में ड्रग दी जाती हैं, वो आपकी इंट्रावीनस कहलाती हैं। इसमें आपके बोलस यानी 2 या 3 ml की ड्रग दी जाती है और इन्फ्यूजन भी इन्फ्यूज किए जाते हैं जो डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन पहुँच कर तुरंत रिलीफ एक्शन देते हैं। और इंट्राडर्मल जो रूट है वो आपका स्पेसिफिक रूट है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में प्रेफर किया जाता है, सीधे आपके इंट्राडर्मस के नीचे सीधे ड्रग दी जाती है, जैसे कि BCG वैक्सीन। ठीक है, तो ये सब ये आपके पेरेंटल रूट्स की बात हो गई। तो पेरेंटल रूट से कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज बात करें कि पेरेंटल रूट जो होता है वो आपका काफ़ी पेन इंड्यूसिंग होता है, और पेरेंटल रूट से अगर ड्रग दें तो किसी भी टिश्यू इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और पेरेंटल रूट में हमें असिस्टेंस की जरूरत होती है, बिना किसी असिस्टेंस के हम पेरेंटल रूट से ड्रग नहीं ले सकते, जैसे कि इंट्रामस्कुलर की बात करें, इंट्रावीनस की बात करें। तो ये सब तो इसके डिसएडवांटेज हो गए हैं। और एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि हम इमरजेंसी कंडीशन में पेरेंटल रूट करते हैं, क्योंकि बायबिलिटी अच्छी होती है और ड्रग तुरंत सिस्टम में सर्कुलेशन पहुँच के तुरंत एक्शन देती है, यानी कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका क्विक होता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें लोकल रूट, सिस्टमिक रूट और डिफरेंट टाइप के रूट्स को हमने डिस्कस किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ का तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।